धोरे दाल, आज बनाएंगे मोठ के पकोड़े। प्रज्ञा ने कि और इतने ही क्यों किया वो स्टोरी मैं आपको अभी बताती हूँ। राजस्थानी फैमिली ब्लॉग, और अब बजे हैं सुबह के 7:45 बजने वाले हैं, थोड़े से एक टाइम रहा है। और मैं शावर लेकर आ गई हूँ, अब जाती हूँ मैं नीचे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जाते हैं नीचे। प्रज्ञान अभी उठा हुआ है, उठा ही था वैसे तो, 5 बजे का उठा हुआ है। अब सुलाऊंगी उसको जाके नीचे, फिर बनाएंगे खाना। और आज के दिन में क्या क्या करूंगी सब करूंगी मैं आपके साथ में शेयर। तो चलते हैं नीचे। मसाले के लिए सेक रही हूँ जीरा, साइड में सब्जी बन रही है। मैं तो लगा रही हूँ मसोते, काया खिला खेल रही है टेडी को गोद में लेके, सारे खिलौने जचा दिए है ना। मचूते लगा दे फिर तुझे नाना कराएंगे। देख तेरे बालों में पपड़ी चली गई, ये देख कलर चला गया। तू आले में सोई थी ना, अभी उतर गया, थोड़ा और है, निकल ही नहीं रही बाहर। निकल नहीं कभी नहीं जचा है खिलौने। प्रज्ञान अभी दिया लेके घूम रहा है, क्योंकि तुलसी के शाम को दिया करते हैं ना, तो इसलिए अभी। प्रज्ञान क्या कर रहा है? जे 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 कहाँ करते हैं प्रज्ञान? और कहा मैंने यहाँ पे देखिए से यार स्टूले ऐसे जचा दिए, और आज खींचे किए थे, और इतने ही क्यों किया वो स्टोरी मैं आपको अभी बताती हूँ। चलते हैं पहले अंदर रूम में। अब मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, और अब करेंगे रेस्ट। प्रज्ञान को भी अभी नींद आई हुई है। और मैं ऊपर आई थी तो मैंने आपको बताया था कि खींचे इतने कम क्यों किए, क्योंकि आज सुबह पहले तो एक बार सबने खाना खा लिया था, तो फिर उसके बाद में कावे के पापा ने बोला कि आज घेरिया खाएंगे, तो मम्मी जी ने घेरिया बनाया था। और घेरिया किसे कहते हैं, जो खींचे बनाते हैं ना उसका जो आटा होता है ना सीजा, उसे घेरिया कहते हैं। तो आज ये खींचे बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, इसलिए घेरिया खाने के लिए ही बनाया था। तो सब ने खाया था, और काव्या के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है घेरिया, इसलिए बनाया था। और सबको ही पसंद है, काव्या को भी पसंद है, सौरभ जी को, मम्मी जी को, मुझे सबको पसंद है। तो इसलिए सब ने दोपहर के टाइम में फिर घेरिया ही खाया था। और जो लास्ट में थोड़ा बहुत आटा बचा था तो उसका फिर खींचे बनाए थे, 10 खींचे बनाए थे, वो सुखाए हुए थे। इसलिए खींचे बनाने के इरादे से नहीं बनाया था, क्योंकि सबको खाना था घेरिया, इसलिए इच्छा हो गई तो फिर बनाया। और अभी आज ये कपड़े भी लगाए थे मम्मी जी ने सुबह मशीन पे, फिर वो भी अभी सूख रहे हैं। और अब करेंगे रेस्ट, और मिलते हैं फिर शाम को खाने के टाइम। और हाँ, और आज बनाएंगे शाम को मोठ के पकोड़े बनाएंगे, तो वो सब आगे अभी दाल भिजोई है मम्मी जी ने, फिर शाम को पीसेंगे, वो सब करेंगे। अभी अभी का थोड़ी देर में ऊपर आ भी जाएगी, सीढ़ियों पे आ रही है, बज रहे हैं पैर उसके। ये देखिए मैं प्रज्ञान को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बजे हैं शाम के 4, कंबल तो निकाल के बाहर फेंक दिए झूले की, और ये सो नहीं रहा। और बोलती हूँ बाहर आ जा, तो बाहर भी नहीं आ रहा। प्रज्ञान आजा बाहर आ जा, आजा बाहर आ जा। ये देखो बाहर आने का बोलते ही सोता है, अच्छा बच्चा बन रहा है। प्रज्ञान आजा बाहर आ जा, आजा प्रज्ञान बाहर आ जा, आजा। ये तेरा ही पिल्लो है, ये कंबल तो भगाई जो भगाई, अब इसको और भगा रहा। ये प्रज्ञान सिंह का झूले का पिल्लो है। नहीं प्रज्ञान बहुत चेतान हो गया, अब यही बची है गूदड़ी, वो भी निकालनी है क्या बाहर है प्रज्ञान? धोरे दाल, आज बनाएंगे मोठ के पकोड़े। प्रज्ञा ने की जूता पहन रखा है, चलो दूसरो पैर आजा, आजा दूसरो पहनाऊ जूतो,
अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। पहले मम्मी जी ने बनाए आते, फिर उसके बाद में मैंने बनाए। मम्मी जी ने पहले दाल धोई थी, काफ़ी टाइम लग गया था धोते, और उसके बाद में मैंने तो पीसी मिक्सी के अंदर, और मम्मी जी ने मसाले वगैरह कटिंग किए थे, धनिया मिर्ची प्याज वगैरह सारे, और दो पायों में किए थे, एक तो लहसुन वाला वो वाले पकौड़े और एक हींग वाले, दोनों हींग और प्याज वाले दोनों। कभी तो ये पाया एक निकाला, फिर उसके बाद में ये ऐसे करके निकाले थे। और दाल को पीसने के बाद में सुबह जो जीरा सेका था उसे मिक्सी में नमक काला नमक डाल के उसको भी पीस के मसाला बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया था वो। तो फिर कल मिक्सी लगाई थी, फिर उसको भी पीस लिया था साथ में। और पहले काव्या के पापा ने खाना खाया, पकौड़े खाए, और उसके बाद में सौरभ जी ने और एक सौरभ जी के दोस्त है उन्होंने, और प्रज्ञान तो साथ में ही था, कभी पापा के साथ में खाया तो कभी चाचू के साथ में, सबके साथ में खा रहा था। और मम्मी जी सबको जिमा रहे थे, काव्या के पापा खा रहे बड़े, और प्रज्ञान साथ में खा रहा है, मैच देख रहे हैं, और इधर काव्या भी खा रही है। काव्या सौरभ जी पूरभ जी भी खा रहे खाना, और आज आ रहा मैच इंडिया का, तो सब देख रहे हैं मैच। और पीपा आज धोया था किचन से लेकर आ गए, पूरे घर में घुमा लिया इसको, ये देखिए गाड़ी बना के रखी है पीपी। देखा वे आ थारो भाई तो आज गाड़ी बना दी पीपा की। ऊपर प्रज्ञान को अभी झूले में ही सुलाया है, उसको नींद आके रखी है झूले में, और काव्या के पापा देख रहे हैं मैच। आज दोनों भाई लगे हुए हैं कब से मैच देखने में, और काव्या भी अभी सोई नहीं है, वो भी नीचे खेल रही है। और अब लेकर आएंगे प्रज्ञान को ऊपर, आज मौसम भी ऐसा ही होके रखा था, अब धूप तो थी नहीं, बहुत कम थी, बादल होके रखे थे, इसलिए पकौड़े वाला ही मौसम था, इसलिए आज मनाए थे पकौड़े। और जाती हूँ नीचे लेकर आती हूँ पहले प्रज्ञान को, और फिर उसको सुलाते, तब तक के लिए राम राम।